जय हिंद दोस्तों, यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे केन्या और नाइजीरिया के बीच में खेले जाने वाला जो आपका अगला आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालिफायर्स का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारे प्राइम टीम में, इस वीडियो में हम वही आपको बताएंगे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आप मिस कर जाओगे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार आपको हमारे सब्सक्राइबर्स की विनिंग्स, हमारे जो सब्सक्राइबर्स जीत रहे हैं दोस्तों, वो इसका प्रूफ आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर ने क्या कमेंट किया। मैंने सर 10,000 इन्वेस्ट करके 5,000 विन किया हुआ टेकोमेंट। ये देखिए, यहाँ से आप भगवान हो भाई, इतने देखिए। इसके बाद सर मज़ा आ गया, मैंने 500 इन्वेस्ट किया और 2,000 विन किया। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर हिमानी गर्ग लिखते हैं, सर कल तो मज़ा आ गया आपकी टेलीग्राम वाली टीम। दोस्तों ये देखिए, टेलीग्राम वाली टीम से थर्ड रैंक आया 1,000 पर्सन में। देखिए कितनी रैंक आई, 1,000 में 3 रैंक आई इनकी। देखिए कितनी बढ़िया टीम है इनको मिली थी। सर बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देते हो आप, 17,500 जीत गया। क्या बात है, 5,000 लगाकर 15,000 जीत गया सर। क्या ही विनिंग करे दोस्तों, देखिए हमारे सब्सक्राइबर्स क्या विन करे। देखिए 50,000, 37,000, 15,000। देखिए तो आप बोलेंगे अगर आपको भी वैसे जीतना है तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सब्सक्राइब का बटन आपके सामने जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर प्रेस करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। सिंपल, सिर्फ ये एक काम करके आप इनकी तरह एक तरफा क्लीन स्वीप करना आप कर पाओगे दोस्तों, इन सभी की तरह। तो दोस्तों अगर आप, हाँ दोस्तों, उसके बाद आप बोलेंगे ये तो जीत रहे, आप कितना जीत रहे वो भी आप हमको दिखाइए, है ना। तो आपको हमारी विनिंग दिखाते हैं, तो ऐसे हम थोड़ी बात करते हैं ना दोस्तों। तो आपको हमारी, ये देखिए कल ये मैच हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका का दोस्तों, ये देखिए वर्ल्ड कप का मैच है। तो हमारी विनिंग देखिए, कितने कॉन्टेस्ट हमने विन किए, 34 कॉन्टेस्ट। कितने कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन किए, 40, लगभग 90% कॉन्टेस्ट, 90% से भी ज़्यादा कॉन्टेस्ट हमने एक तरफा विन किया दोस्तों। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी हमने 40 कॉन्टेस्ट में से 40, 100% क्लीन स्वीप किया, 40 में से 40 जीता। यहाँ पर हमने एक तरफा विन किया। तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बास्केटबॉल में भी हम एक तरफा जीत रहे हैं दोस्तों। बास्केटबॉल, ये देखिए बास्केटबॉल, तो सभी जगह पर हम जीत रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह अगर आपको भी जीतना है, आपको दो काम सबसे पहले करना है। वो क्या है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर फाइनल टीम में कुछ अपडेट हमको करना पड़े तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँ। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मोर पर क्लिक करना। ये देखिए सबसे पहला जो आपको लिंक दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक पर आपको प्रेस करना है और आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है दोस्तों। यहीं पर हम अपनी फाइनल टीम आपके साथ शेयर करते हैं और आगे भी यहीं पर आपको करते रहेंगे। टॉस होने के बाद कोई भी चेंजेस हो दोस्तों, इसमें हम बताएंगे। तो ये लिस्ट, ये इस लिंक पर क्लिक करने से ये डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है ये इसमें दोस्तों लेके आएगा। ये देखिए यहाँ पर हम ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की, प्राइम टीम शेयर करते हैं दोस्तों। ये देखिए स्मॉल लीग की, प्राइम टीम, ग्रैंड लीग की, सब कुछ हम यहीं पर आपको शेयर करते हैं। पिच रिपोर्ट, ये देखिए पिच रिपोर्ट, तो सब कुछ हम इसी जगह पर आपको शेयर करते हैं। तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल से भी आपको जुड़ जाना है। इस लिंक पर क्लिक करने से ये डायरेक्टली इस चैनल पर लेके आएगा और नीचे जहाँ पर आपको यहाँ से ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है, ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में, तो इस मैच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इस मैच पर चलना होगा, फिर यहाँ से हम चलेंगे क्रिएट टीम पर, सिलेक्ट
स्टेट बाय में जाना है। यहाँ से अगर हम सबसे पहले केनिया की बात करें, बट इससे पहले दोस्तों आपको अगर इस ग्राउंड के बारे में, पिच के बारे में आपको बताए, तो पिच जो है दोस्तों वो एक बैलेंस पिच है दोस्तों, जहाँ पर आपको पेसर्स को ज़्यादातर आप डोमिनेट करते हुए पाओगे। पेसर्स डोमिनेटिंग ग्राउंड है, प्लस इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है वो 130 के अराउंड ही है दोस्तों, मतलब 130 के अराउंड ही इस मैच में भी बनता हुआ आपको दिखेगा। अगर मैक्सिमम इस ग्राउंड पर बने तो 140, इससे ज़्यादा आपको स्कोर एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 140 से ज़्यादा इस ग्राउंड पर बनता हुआ आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों केनिया की टीम से कौन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए इरफान करीम खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। यहाँ से इनके परफॉर्मेंस के बाद लास्ट के मैच में दोस्तों क्या ही इनके परफॉर्मेंस थी, 63 रन इन्होंने स्कोर किया था 43 बॉल्स में, तो प्लस एक रन आउट, दो कैच, बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस था। मिला जुला विकेट कीपिंग से भी इन्होंने पॉइंट्स दिया था दोस्तों। ओगो वाया ओवो या भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, आर पटेल। यहाँ से इनकी बात कर लास्ट के मैच में इन्होंने दोस्तों 24 पॉइंट्स दिया था दोस्तों, 21 बॉल्स रन स्कोर किया 22 बॉल्स में, तो T20 की तरह तो खेला नहीं, बट एज अ नॉर्मल पिक आप टीम में रख सकते हो। इस तगोचे इनको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा दोस्तों, प्लेयर बहुत ही शानदार है दोस्तों। हालांकि लास्ट के मैच में इन्होंने कुछ भी खास ऐसा किया नहीं जिसके ऊपर बेस करके आप इनको टीम में रख पाओ, बट फिर भी प्लेयर बहुत ही शानदार है, मैं इनको टीम में ज़रूर रखूँगा दोस्तों। यहाँ से बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग से भी पटेल कितनी ओवर बॉलिंग के एक बार हम चेक कर लेते, विकेट तो एक मिलेगा मुझे पता है, 4 ओवर बॉलिंग के। यहाँ से ई बूंदी की बात करें, ई बूंदी ने कितने ओवर बॉलिंग किया ये भी देख लेते, इन्होंने 3 ओवर किया, तो 4 ओवर करने वाले वी पटेल। और यहाँ से बाकी पी शर्मा ने कितना ओवर बॉलिंग किया, 4 ओवर, तो यहाँ से पी शर्मा, तो ये 5 प्लेयर्स तो मेरे टीम में ज़रूर आएंगे दोस्तों, इनमें मैं ड्रॉप नहीं करने वाला, इन 5ों को मैं टीम में रख के चलने वाला हूँ। अगर हम दूसरी टीम की बात करें जो कि आपके कौन से टीम है, नाइजीरिया की टीम, यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपिंग से मैं किसी को नहीं लेने वाला, बैटिंग से दोस्तों एस जोसेफ एडेजी, इस प्लेयर को मैं ड्रॉप नहीं करने वाला, इसको मैं टीम में ज़रूर रखने वाला हूँ। यहाँ से ऑलराउंडर ओकोपे अब्दुल करीम, अब्दुल करीम को शायद मैं ग्रैंड लेग में अपने टीम में सी या फिर बी सी भी बना दूँ। यहाँ से ओहो ओगोपे और इस अब्दुल मुलारी तायो दोस्तों, इनको मैं टीम में रखने वाला, तो यहाँ से ये मेरे टीम के 11 प्लेयर्स हो जाएंगे। आप इन मेरे 11 का प्रीव्यू देखिए, इनमें अगर मुझे किसी को चेंज करना पड़े वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। कैप्टनसी की बात करें, मेरे कैप्टन कौन होंगे, मेरे जो कैप्टन होंगे दोस्तों वो यहाँ से अपने टीम के, चलिए अभी के लिए आई करीम को ही बनाते दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा कर रहे हैं दोस्तों और मुझे लगता है कि इस मैच में भी ये अच्छा करने वाले हैं। तो यहाँ से बाकी ये तो बॉलिंग नहीं कर रहे, वो या बॉलिंग नहीं कर रहे, बट यहाँ से मैं अपनी टीम में जिसको अपने टीम का वाइस कैप्टन बनाऊंगा वो होगा दोस्तों इकोपे को। तो ये मेरी टीम है दोस्तों, ये इनकी, इसमें अगर मुझे किसी को चेंज करना पड़े वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। आप बोलेंगे यहाँ थे आपके पास इतने ऑप्शन है पर इन्हीं को आपने वाइस कैप्टन बनाया क्यों, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कौन से प्लेयर्स का कैपेबिलिटी कब और कब ये अच्छा करता है दोस्तों। यहाँ से नगोच इस मैच में मुझे लगता नहीं कुछ खास करेंगे, ना करेंगे यहाँ से ओगोबाया। यहाँ से इकपोके की बात करें, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे दोस्तों, अपनी टीम की तरफ से टॉप ओवर में बैटिंग भी करते हैं, 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो फाइनल जो भी अपडेट्स पहुंचाना पड़े दोस्तों आपको वो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू ही पहुंचाने वाला हो। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।